अरे राजस्थान की फेमस डिश है बहुत ज्यादा। अगर आप कभी राजस्थान जाओ तो इसे ट्राई जरूर करना, महेरी। गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका नए ब्लॉग पे। अभी मैं सुबह से होल्ड मतलब सुबह से सो ही रहा था, अभी जगा हूँ जस्ट। तबीयत खराब थी ना उसकी वजह से, तो अभी मैं नहा बिल्कुल फ्रेश होके आया हूँ बिल्कुल जस्ट। तो अभी मैं लेके आया हूँ मेरी चाय, रोज की तरह मेरे मैं यार 2 बजे रेस्ट हम और 2 बजे मैं पी रहा हूँ मेरी चाय। तो भाई चाय पी लेते पहले और फिर अपना डे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार तबीयत ज़्यादा ख़राब है उसकी वजह से मैं प्रेफर करिए चाय। गाइस मैं ये कह रहा हूँ कि यार घर पे ब्लॉग शूट करना बहुत टफ हो रहा है मेरे लिए, मतलब बाहर मैंने सारे ब्लॉग मैंने बाहर शूट करे, तो मेरे को बाहर कंटेंट मिलना ईजी होता है बाहर, और बाहर रैंडम कंटेंट होता है बिल्कुल रैंडम, मतलब कुछ सोचना वोचना कुछ नहीं पड़ता बिल्कुल भी। और यहाँ पे क्या है, घर पे आके ना, घर पे यार टफ है बहुत ज़्यादा मेरे लिए, शायद यार मेरे लिए ही टफ है मुझे ऐसा लगता है। ऐसा होता नहीं, फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं घर पे ब्लॉग शूट करना बहुत टफ है यार, पता नहीं वो बंदे कैसे कर लेते हैं और ब्लॉगर कैसे कर लेते हैं। देख कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आपसे करूँगा डेली। तो मैं चाय पी दी, ये मेरी चाय है भाई, चाय ख़त्म करके मिलता हूँ आपसे, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई बाल लिए थे, बाल ले रहे हैं बाल ना, ओहो पानी ठंड, बालों में पानी है अभी यार। तो गाइस बालों कर लेते सेट, देखिए अभी चंपू लग रहे हैं, हीरो बन के आते 2 मिनट में। अब कपड़े पहन लेते हैं जल्दी से और चलते छत पे, और भूख भी लग रही है, कुछ खाने भूख लग रही बहुत ज्यादा। हो गया ना ऑल सेट, देखो तुम्हारा ये ऑल सेट है, देखो तुम्हारा ये लुक ऑल सेट हो चुका तुम्हारा भाई। तो अब चलते छत पे, अभी समय हो रहा था 3 बज गए, 3 बज चुके गाइस। तो मौसम देखिए आज का भाई कितना खतरनाक हो रहा है मौसम, मतलब यहाँ अंकल अंकल लोग देखो खेल रहे हैं क्या पत्ते चल रहे अंकल लोगों के छोड़ो चलो यार नीचे चलता मैं तो जल्दी निकलो नीचे अपने आराम से, अपना देखते क्या खाने बनाया है आज, और खाते हैं देखते क्या बनाया इन्होंने यार खाने में। ओहो अंधेरा हो रहा है यार, ओहो लाइट जल गई गाइस लाइट जल चुकी है गाइस, देखते हैं क्या है खाने में आज। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर है देखते क्या, पता नहीं इन्होंने क्या बनाया यार। ओहो ये तो महेरी है, महेरी लेते गुड़ निकाल लेते हैं, ये हमारा गुड़ है, गुड़ काटो इसमें थे भाई। ये बता गुड़ का हमारा कहाँ से आता, राजस्थान से आता सीधा गुड़। ये हो गया हमारा ये सेट ऑल सेट, ये उठा लिया हमने गुड़। भाई भूख बहुत ज़्यादा तेज लगी हुई है मुझे, तो ये ले लिया मैंने अपना, ओहो स्पून लाना तो भूल ही गया यार स्पून लेके आता हूँ मैं गाइस। गुड़ भाई बहुत लजीज गुड़ है ये गाँव का, एक स्पून ले लो। बेसिकली इसे स्पून से खाते नहीं है, एक्चुअली पीते हैं इसे, तो मैं खाऊंगा इसे स्पून से है ना, और ये कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये नई डिश है भाई, बहुत अच्छी डिश है ये, मैंने कर दिया चालू। ओहो तो यहाँ बैठ जाते गाइस, और ये लड़की भाई हमारी महेरी इसे करते हैं इन, तो चेक करते जाना इसे कैसी है स्वाद बढ़िया है इसका, स्वाद में बहुत बढ़िया है, मजा आ गया खाने में। एक्चुअली ये ना बनी पता किससे है, बाजरे के आटे से और मही, जानते मही लस्सी, लस्सी से बनी हुई, लस्सी और मही, लस्सी और बाजरे के आटे से बनी हुई है महेरी, मतलब राजस्थान की फेमस डिश है बहुत ज्यादा। अगर आप कभी राजस्थान जाओ तो इसे ट्राई जरूर करना महेरी। हाँ भाई बेसिकली गुड़ के साथ खाते हैं, और ये मिर्ची का अचार होता है ना, मिर्ची का अचार उसके साथ खाते हैं ज़्यादातर भाई। अब ये अपना अपना स्वाद है, मिर्ची के साथ कुछ के तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद, तो भाई मैंने मीठे के साथ खाई, मतलब गुड़ के साथ, मेरा गुड़ के साथ बहुत पसंद है। तो आप ये डिपेंड करता है टेस्ट पर भाई, और खट्टी खट्टी लगती है, खट्टी की खट्टी मीठी लेकिन खट्टी मीठी बिल्कुल ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है भाई। तो भाई जब यहाँ से उठते हैं और चलते हो ऊपर छत पे, मैं जला के आया हूँ अभी बेसिकली आग, ऊपर हमारी आग जल रही है। ये देखो हमारी है मैगी, ये हमारी मैगी ऐसे लेके चलते ऊपर, ऊपर चलते हैं छत पे। भाई मम्मी बोल रही है थोड़ा बाहर ब्लॉग शूट करके लाया कर, मैं कह रहा ये बाहर का शूट होने में दिक्कत कर रहा है अभी है ना, घर से मैं कुछ दिनों में जाऊँ बाहर। तो भाई मैं आ गया हूँ ऊपर, ये हमारे लिए आग बढ़िया सेट करते हो, आग ढंग से जल्दी नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा इसमें।
ढंग से आ गया ना ऊपर में, कर रही चले कर रही एकदम ढंग से बढ़िया। ये खाते हैं अपनी मैगी, इसे खाते खाते करते हैं, आग जला के ले जानी है अभी नीचे, फिर अपनी चाय वगैरह बन रही है वहाँ पे, तो वो करना खाते वो मतलब चाय वगैरह पियेंगे। अब आप ये कहोगे कटोरी मैगी कौन खाता है, जैसे मर्जी खा लो यार, हम खाते हैं कटोरी मैगी, जैसे मर्जी खा लो, मैगी तो है उसका चाय। आज का ब्लॉग सिर्फ खाने पे होने वाला है यार, भाई मैगी फिनिश हो चुकी है अभी, मैगी तो अपनी फिनिश हो चुकी है भाई। अब ये आग जल जाए ना फिर इसे लेके चलेंगे नीचे, तापेंगे फिर चाय वगैरह पीते हुए। आग मैगी भी ख़त्म हो गई है और हमारी आग भी देखो सेट हो गई जल के, तो इसे लेके चलते हैं नीचे। तो हमारी फाइनली आग आ गई नीचे, आग हमारी आगे फाइनली नीचे। हाँ तो हमारी रोटी हो चुकी भाई सेट, ये देखिए हमारी रोटी है गाइस, रोटी गुड़ की डली और ये आलू की सब्जी है रसा। तो भाई से खाते हैं, ये शाम का है, अभी बज रहे हैं 5:30, देखिए सामने 5:30 हो रहे हो, ये शाम का ही है, आज सिर्फ खाने खाना हो रहा है यार, पता नहीं क्या सिस्टम हो रहा है। ओहो अभी हमारी आग बहुत बढ़िया खिली हुई है देखो, बढ़िया है ना, तो खाते गाइस इससे। तो भाई खाना तुम्हारा डन हो गया है, अब देखते चाय का जुगाड़ लगाते हैं कुछ यार, चाय बनाए तो कुछ काम चले भाई है ना, अब देखते हैं चाय कब तक बनाएंगे फिर चाय पियेंगे भाई। तो गाइस हमारी चाय हो चुकी है रेडी, तो चाय हो रही है रेडी, चाय पीते हैं भाई, चाय पीते पीते करते ब्लॉग का एंड। होप करता हूँ गाइस आज का ब्लॉग सिर्फ खाने पे हुआ है बिल्कुल, होप करता हूँ गाइस आपका आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना शेयर करना, जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम खम्मा गणी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग।